नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी जिद की है? आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल, बचपन में की है। लेकिन कभी कभी बड़े होने पर जिद काफी फायदेमंद होती है। आप सोचेंगे कैसे? आज हम आपको बताएंगे कैसे। इससे पहले कि हम आपको जिद के फायदे बताएं, आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फोर्थ आई न्यूज। तो आइए अब आपको हम बताते हैं जिद का फायदा। जिद तो बच्चे करते हैं, लेकिन यदि समझदार होने पर किसी चीज को पाने की जिद आपके अंदर है तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसी ही एक जिद ने एक डॉक्टर को बना डाला कलेक्टर। हम जिस डॉक्टर कम कलेक्टर की बात कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में तैनात है, कई पदों पर रह चुकी हैं, कई जिलों का कायाकल्प करने में इनका योगदान है। हम बात कर रहे हैं IAS अफसर प्रियंका शुक्ला की। IAS अफसर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स हैं। उनके पास 3 लाख से अधिक संख्या में ट्विटर फॉलोअर्स हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर वो समय समय पर अपने कार्यों को अपडेट देती रहती हैं। इस पर वो युवाओं और UPSC का सपना देखने वाले उम्मीदवारों को मोटिवेट करने का काम भी करती हैं। अब आइए आपको बताते हैं प्रियंका के डॉक्टर से कलेक्टर बनने तक का सफर। प्रियंका शुक्ला के परिवार की इच्छा थी कि वो UPSC परीक्षा पास कर IAS अफसर बने। हालांकि उन्होंने डॉक्टर बनना पसंद किया और MBBS की पढ़ाई की। उन्होंने लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अपनी MBBS की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ में ही प्रैक्टिस करनी शुरू की। डॉक्टरी के कार्य के दौरान प्रियंका एक बार स्लम एरिया में जांच के लिए पहुंची थी। यहां उन्होंने देखा कि एक महिला गंदा पानी पी रही है और अपने बेटे को भी वही पानी पिला रही है। महिला को ऐसा करते देखकर प्रियंका से रहा नहीं गया और उन्होंने महिला को ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि महिला ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उल्टा उनसे ही सवाल कर दिया कि तुम कहीं की कलेक्टर हो क्या? यही वो पल था जिसने प्रियंका के जीवन को नया मोड़ दे दिया और उन्होंने UPSC की परीक्षा पास करने की ठान ली। लेकिन पहले प्रयास में प्रियंका असफल रही। पहले प्रयास में मिली असफलता के बाद प्रियंका शुक्ला ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने ठाना था कि वो कलेक्टर बन करके ही रहेंगी। आखिरकार साल 2009 में प्रियंका सफल हुई और वो एक IAS अफसर बन गई। उनकी गिनती एक बेहतरीन IAS अफसरों में होती है। IAS अफसर के अलावा वो एक कंटेम्प्रेरी डांसर और लेखिका भी हैं। प्रियंका को गाने और पेंटिंग्स का भी शौक है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स में दी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अपने कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें ऐसे ही वीडियोस के लिए फोर्थ आई न्यूज़ के साथ।